स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, पीकिंग यूनिवर्सिटी कहाँ है, चाइना में। अब बात है चाइना की, तो चाइना की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 180। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व के कौन से स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, 135वें स्थान पर रहा है। अब बात है WEF की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब, जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, और इसके चेयरपर्सन बोर्गे ब्रेंडर जो इसके हैं चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। अब बात है दिल्ली की, यानी दिल्ली कहाँ है, भारत, और भारत की कैपिटल क्या है, सबको पता होगी न्यू दिल्ली, ठीक है ना, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं कौन से नंबर की प्रधानमंत्री हैं भारत की, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लोकसभा स्पीकर कौन है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 85वां, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, 131वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 150वां स्थान रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवा क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धता सूचकांक 2022 किस स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, 37वां, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 शीर्ष तीन देशों का क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, क्या है, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दसवां क्वेश्चन है हाल ही में जारी हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन से देश पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सी राइट होगा, यानी ए और बी दोनों, जापान और सिंगापुर जो है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्यारहवा क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय
कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है, तो कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, अमेरिका का है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये है ऑस्ट्रेलिया में, जो 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रेटियंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बन गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, मुरादाबाद, ठीक है ना, मुरादाबाद बन गया है, भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 भारत का क्या स्थान मिला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, भारत को जो है दूसरा स्थान मिला है, यानी सेकंड नंबर पर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, विस्तारा, विस्तारा जो है स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कंपनी बनी है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, दक्षिण कोरिया ने, यानी दक्षिण कोरिया ने, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या होती है, दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या होती है, सियोल होती है, सियोल जो है दक्षिण कोरिया की कैपिटल होती है। करेंसी क्या होती है, कोरियन रिपब्लिक वॉन, कोरियन रिपब्लिक वॉन जो होती है इसकी करेंसी होती है, और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है यून सुक योल जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रथम स्थान कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल शॉपिंग क्षेत्र के निवेश के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो डिजिटल शॉपिंग क्षेत्र के निवेश के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक यानी 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान 121वां है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, 121वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक जीवांतता सूचकांक इंडेक्स में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, वीना शहर जो है वैश्विक जीवांतता सूचकांक में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन दो स्थानों को चुना गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, अहमदाबाद और केरल को टाइम्स पत्रिका 2022 ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में चुना गया है, दो शहरों को, अहमदाबाद और केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, 43वें स्थान पर रहा है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूएनडीपी द्वारा जारी विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट होगा स्विट्जरलैंड है जो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, डेनमार्क जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 भारत के किन स्थान पर रहा है? तो भारत के किन स्थान पर, भारत किस स्थान पर रहा, सॉरी, तो भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 121वें स्थान पर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, ऑप्शन डी राइट होगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, ठीक है ना। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है, मंगू भाई छंगन भाई पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, 136वें स्थान पर रहा है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक के अनुसार देशों की सूची में जो भारत अपना रहा है वो कहाँ रहा है, 136वें स्थान पर रहा है, ठीक है ना, 136वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 में जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित करने वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, ढाका। अब ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है, कहाँ की कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, करेंसी है बांग्लादेशी टका, और प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद अब्दुल हामिद, मोहम्मद अब्दुल हामिद जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30वां क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 107वें स्थान पर रहा है भारत, ठीक है ना। ग्लोबल इंडेक्स हंगर इंडेक्स में भारत जो रहा है 107वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 ग्लोबल पीस यानी वैश्विक शांति सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, आईईपी द्वारा, आईईपी द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 10वें स्थान पर रहा है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है, ठीक है ना। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ऑप्शन ए राइट होगा, 40वें स्थान पर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 107वां स्थान प्राप्त हुआ है 121 देशों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, 43वां स्थान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट सी
स्थान मिला है, यानी 12वां स्थान मिला। कौन सा? 12वां स्थान मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ, अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी में भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।